हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल विल बी फिट, फाइन एंड हेल्दी एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 3 को अरु कहा, हु इज हेल्दी। दिस इज अ स्मॉल स्टोरी। दिस स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये हमें फिजिकल हेल्थ का इम्पोर्टेंस सिखाती है। इट वॉन्ट्स अस फॉर आवर गुड बैड हैबिट ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड फूड। ये हमें हमारी लाइफस्टाइल की और फूड की जो बैड हैबिट है उसके बारे में वॉर्न करती है। आवर माइंड एंड साउल बिकम प्योर ओनली आफ्टर बाय क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी। यदि हमारी बॉडी क्लीन रहेगी तो ही हम साउल से और माइंड से प्योर रह सकेंगे। द स्टोरी टीचिस अस टू बी अवेयर ऑफ फूड ईटिंग हैबिट्स। हमें ये स्टोरी क्या बताती है, हमारी फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में अवेयर करती है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी अवेयर करती है। नाउ आई रीड द स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट। एक पक्षी अस्ति, देर इज अ बर्ड। एक पक्षी, एक पंछी है। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति, वो आसमान में इधर उधर घूमता है। इट मूव्स हियर एंड देयर अगेन, इट मूव्स हियर एंड देयर। सह पुनः पुनः वदति, को अरु कह। ही आस्क अगेन एंड अगेन, हु इज हेल्दी। वो बार बार क्या पूछता है कि निरोगी कौन है। कह निरोगः भवति, हु इज़ विदाउट डिजीज, ऐसा कौन है जिसको कोई रोग नहीं है। पक्षी द्वारम द्वारम अटती, द बर्ड वंडर्स डोर टू डोर, वो एक डोर से बीजे दूसरे डोर तक जाता है, एक द्वार से दूसरे द्वार पे जाता है। एकम एव प्रश्नम पूछती, वो बार बार सबको एक ही प्रश्न पूछता है। ही आस्क ओनली वन क्वेश्चन, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, लोग उसको हंसते उसकी मजाक उड़ाते हैं। पीपल रिडिक्यूल इट, को अपी उत्तरम न ददाती, कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाता है। नो बडी आंसर्स इट, पक्षी निराशः भवति, द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड, पक्षी निराश हो जाता है। कहीं से भी उसको आंसर नहीं मिलता है तब वो निराश हो जाता है। सह वनम गच्छति, वो वन में जाता है। इट वेंट टू, इट गोज टू द फॉरेस्ट, वृक्षे उपविशति च, और वो वृक्ष के उडाली वृक्ष पे जाके बैठता है। इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन अ ट्री, वृक्षस्य अधः वैद्यर्षिः वाग्भट्टः अस्ति, वृक्ष के नीचे वैद्यर्षि वाग्भट बैठे हैं। द देयर इज अ वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। पक्षी पुनः वदति, को अरु कह इति, बर्ड फिर से पूछता है कि कौन हेल्दी है कौन हेल्दी। द बर्ड अगेन आस्क्ड, हु इज हेल्दी हु इज हेल्दी। वाग्भट्ट शृणोति, वाग्भट वो सुनते हैं। वाग्भट हियर्स इट, सह वदति, वो क्या बोलते हैं। हित भूक, मित भूक, ऋतु भूक इति, वो क्या बोलते हैं, आंसर देते हैं कि जो हीत बुक है, जो मित्र बुक है और जो ऋतु बुक है वो हेल्दी है। हीत बुक मीन्स वन हु टेक्स बैलेंस्ड बेनिफिशियल मील, जो बैलेंस्ड मील खाता है, जो हेल्थ के लिए जो ज़रूरी फूड है वैसा फूड खाता है। मित बुक मीन्स हु वन हु टेक्स मील्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, जो जितना खाना चाहिए उतना ही जो खाता है, जिसकी खाने की क्वांटिटी प्रॉपर है। और ऋत भूक मीन्स वन हु टेक्स मील्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, जो सीज़न के अकॉर्डिंग टू खाना खाता है वो हेल्दी होता है। तो क्या वैदृषि वाग्भट क्या बताते हैं कि जो बैलेंसियल फूड ईट करता है, जो प्रॉपर क्वांटिटी में फूड ईट करता है, और जो ऋतु के अनुसार सीज़न के अकॉर्डिंग टू डिनर लंच करता है, सीज़न के अकॉर्डिंग टू मीट करता है, मील करता है, वो निरोगी होता है। ओके, जो इससे जैसा हेल्दी खाना जो खाता है, जो उनकी जो मात्रा है वो भी सही मात्रा में खाता है, जितना खाना चाहिए उतना ही खाता है, और जो ऋतु के अनुसार खाना खाता है वो हेल्दी होता है। अर्थम अस्ति, इसका क्या मीनिंग हुआ, इट मीन्स या दैट मीन्स, यह हितकारी भोजनम करोति,
यह मितम भोजन करोति, जो हितकारी भोजन करता है, जो मितम भोजन करता है वही हेल्दी होता है। द पर्सन हु टेक्स बैलेंस्ड मील, जो बैलेंस मील खाता है, मतलब जो खाना चाहिए वही खाना खाता है, हेल्दी फूड खाता है। हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, जो प्रॉपर क्वांटिटी में जितना खाना चाहिए उतना ही खाता है। एंड हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीज़न, और जो सीज़न के अकॉर्डिंग टू खाना खाता है रिमेन्स हेल्दी, वही हेल्दी होता है। ओके यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति सह एव निरोगम निरोगः भवति इति, उसका पूरा ये पूरे का मीनिंग होगा दैट मीन्स अर्थवस्ति, दैट मीन्स यह हितकारी भोजनम करोति, द पर्सन हु टेक्स बैलेंस्ड मील, यह मितम भोजनम करोति, हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति, एंड हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन सह एव निरोगी निरोगः भवति इति, रिमेन्स इट हेल्दी। संतुष्टः पक्षी ऋतु समीपम आगच्छति, सैटिस्फाइड संतुष्ट हुआ बर्ड ऋषि के पास आता है। ओके द सैटिस्फाइड बर्ड कम्स नियर द ऋषि, सह ऋषिम नमति, वो ऋषि को प्रणाम कहता है। अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, और बाद में वो अपनी जगह पे जाता है। द सैटिस्फाइड बर्ड कम्स टू द ऋषि, इट गोज टू द ऋषि, वो ऋषि को प्रणाम करता है। एंड देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस, और वो वापस अपनी प्लेस पे चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, आपको भी इससे मोरल मिलेगा कि जो हमें जो हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और जो हमारी ज़रूरत है, जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए, भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना तो उससे कम खाना चाहिए, और सीज़न के अकॉर्डिंग टू खाना चाहिए तो हम हेल्दी रहेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हुआ। ओके थैंक यू।